स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में अब हम जैसे कि पीछे करते आ रहे हैं कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट को प्रैक्टिकली आप ये जो मॉडल है इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हाउ यू कैन यू नो गेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ये जो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है विद इन योर डेटा साइंस कोर्सेस तो अब इसमें भी अगेन हम ये जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन सी रखी है बिल्कुल एक तरीके से जो है ना वो उसको नहीं किया सारी एक्सरसाइज को ताकि मे बी विच एवर यू लाइक मोर या डिफरेंट सिचुएशन में आप सब भी यूज़ कर सकते हैं वो तो आपके इन्वामेंट का क्या स्टेटस है उसकी क्या लेवल है मच्योरिटी का अकॉर्डिंगली तो इसमें हम इसको करेंगे कि हम ये जो हमारी एक और लाइब्रेरी है साइकिट इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे और फिर हम इसको एनसेम्बल एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे और फिर हम इसको ये इम्पोर्ट करेंगे फिर रैंडम फॉरेस्ट जो है वो ये उसकी रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर ये इसका एक मॉडल है जिसको आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस एक्सरसाइज के अंदर तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि हमने ये ट्रेन करना है अपने डाटा को ठीक है जी ये आपके पास एक्स और वाई आ गए वाई इज़ इक्वल टू रैंडम और ये आपका वो जो रैंडम फॉरेस्ट है उसकी प्रोडिक्शन आपकी यहाँ पे आ जाएगी एक्स में टेस्ट में जब वो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएंगे फिर आप उसको ट्यूनिंग करते हैं ट्यूनिंग का भी पूरा कोड यहाँ पे मैंने दिया है कि अब आपने इसको ट्यून कैसे करना है ये उसके डिफरेंट जो उसका स्क्रिप्ट है ये देखिए वो हमने पीछे जब कहा था कि हम इम्पोर्ट करेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर तो ये अब हमने इसको यहाँ पर अपने कोड के अंदर इस चीज़ को मैंशन किया कि अब आपने उसको रिग्रेसर को यहाँ पर यूज़ करना है फिर ये आपके डिफरेंट वो आ गए इसके क्राइटेरिया आ गया और ग्रिड सर्च अब क्योंकि ये डाटा आपके पास एक ग्रिड की सूरत में था तो अब आप उसको ग्रिड में सर्च कर रहे हैं आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं या देखिए जब हम रैंडम फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है राइट तो वो एक ग्रिड की फॉर्म में है तो अब हम इसको ग्रिड सर्च ये जो है ये वाला जो इसका जो स्क्रिप्ट है आप समझें पाइथन का वो यूज़ करें कि ग्रिड के अंदर आपने इसको किस तरह से सर्च करना है और फिर हमारे पास एक्स और वाई की जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी और इसके हमारे पास जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे इस तरह से हम उसको डाटा को ट्यून करेंगे ये दो स्टेप हमने इसके कर लिए कि हमने पहले ट्रेनिंग की फिर हमने उसकी ट्यूनिंग की उसके बाद फिर अब हमने उसको टेस्ट करना है तो ये टेस्टिंग का जो पूरा आपका कोड है वो तो पूरा इसके अंदर अवेलेबल है कि आपने इसको किस किस तरह से टेस्ट करना है आपने इसकी जो एक एक जो कोड की लाइन है अगेन रैंडम फॉरेस्ट इज़ इक्वल टू ये वही रिग्रेसर आपका वो आ गया जो आपने ये ट्रू है फॉल्स है जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो आप उनको करेंगे और जस्ट रिलैक्स कहिए क्योंकि जब आप पाइथन का पूरा कोर्स पढ़ेंगे या मशीन लर्निंग का जब फुल कोर्स है वो करेंगे तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा कि आप डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ योर जो भी आपके टीचर होंगे इंस्ट्रक्टर होंगे आप ये चीज़ें करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको एक इंट्रोडक्शन देना पूरा जो ओवरऑल आपका डेटा साइंस का सब्जेक्ट है जो जितने भी आपके उसके अंदर कोर्सिस वी आर जस्ट टचिंग बेस और थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारी चीज़ों का इसलिए हम क्योंकि अगर एक एक्सरसाइज अगर मैं ऑन uh, करूँ तो इट माइट टेक यू नो उतना टाइम लग जाए जिसमें हमने आपके कोई तीन चार या पाँच मॉड्यूल कवर करने हैं यू नो इसलिए ये इस कोर्स का जो वो डिज़ाइन ही इस तरह से है कि हम सिर्फ आपसे कोर्स के जो कंटेंट है वो शेयर करते हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और जहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत है वी आर शेयरिंग उसके जो स्क्रीनशॉट्स शॉट्स है लेकिन ये कोड जो है दिस इज़ इन वर्किंग कंडीशन आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपकी जो भी ट्रेनिंग एन्वायरमेंट है उसके अंदर उसके बाद फिर जब आपने उसको ट्रेन कर लिया तो देन यू हैव सी ये अब ये आपके पास विजुलाइजेशन की शक्ल में भी ये चीज़ आ गई अब आपने यहाँ पे देखें कि अब आपके पास ये पूरा एक रैंडम फॉरेस्ट है उसके अंदर ये जो डिफरेंट यू नो कंपोनेंट है उसके ये डाटा है सारा ये प्राइस है दूसरा कंपोनेंट ए एक कंपोनेंट ये आपका वाई एक्सिस पे और ये आपका एक्स एक्सिस पे तो ये सारे वो डिफरेंट डॉट्स हैं जो कि वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो अब आप इसके अंदर अगर रिग्रेशन की लाइन दैट माइट बी यू नो समर लाइक दिस तो ये एक तरीका कर है बहरहाल आप इसको मॉडल को जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे डाटा का साइज जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये चीज़ें दिज विल वर्क फॉर यू ये अगेन वही जैसे मैंने कहा था ये कोड है तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आप इसको अपने तौर पे इस कोड को भी स्टडी कर सकते हैं इसको भी आप इम्पलीमेंट कर सकते हैं आई जस्ट रिपीट इट जो मैंने पहले भी कोड आपसे शेयर किया और ये जो कोड है दोनों वर्किंग में है फुल कंडीशन में और आप इनको अपने तौर पे जब एट होम इफ यू डू योर प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइजेस करें तो आप एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ये कोड यूज कर सकते हैं देन स्काई इज द लिमिट इंटरनेट पे आपके पास बेशुमार जो है वो कोड्स भी अवेलेबल है एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल है आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं